प्रचार पर बैन खत्म होने के बाद योगी ने पहले पूजा की और फिर संबल में रैली। योगी ने कहा कि मोदी राज में देश का भरपूर विकास हुआ है और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। पार्टी का एक जीव रामपुर में रहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए भारत के संविधान के शिल्पी भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाला व्यक्ति, आज मायावती जी उसके लिए वोट मांग रही है, उसके लिए वोट मांग रही है जो पान बेटियों की इज्जत को किस तरीके से किस बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करके बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करता है। भाइयों बहनों, और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, ऐसे ऐसे प्रत्याशी बना दिए जाते हैं। एक बार संसद में मैं बैठा था, संजोग से संबल से प्रत्याशी यही समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भी तुम्हारे पूर्वज कहां से हैं? तो सज्जन बोल पड़े कि हम बाबर की औलाद हैं। मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था। भाइयों बहनों, मैं यही मुझे अफसोस होता है, जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने में जिसको परहेज होता हो, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने में संकोच करता हो, जिसको वंदे मातरम बोलने में संकोच होता हो, जिसको केला देवी मंदिर में जाने में संकोच होता हो, क्या वह व्यक्ति आपका वोट पाने का अधिकारी है?